नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और नई वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको एक सिंगल एक्सटेंसिव बोर्ड बनाना सिखाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉकेट को स्विच तैयार करने गएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉकेट के इधर वाले पॉइंट पर एल और इधर वाले पॉइंट पर एन लिखा हुआ है। हमें एल पॉइंट को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए मैं एक रेड वायर ले रहा हूँ। फिर मैंने स्विच को सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको इंडिकेटर का कनेक्शन बताऊंगा। इंडिकेटर के पीछे से दो वायर निकले हुए हैं। हमें एक वायर स्विच के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है और दूसरा वायर हमें एन पॉइंट मतलब न्यूट्रल में कनेक्शन करना है। ये हमने इंडिकेटर का कनेक्शन कर दिया है। अब हम आपको मेन कनेक्शन करना दिखाएंगे। पेस के लिए मैंने रेड वायर लिया है और न्यूट्रल के लिए मैंने ग्रीन वायर लिया है। पेस वाला वायर हमें स्विच के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है और न्यूट्रल वाला पॉइंट हमें यहाँ एन पॉइंट पर कनेक्ट करना है। मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको ये बोर्ड चेक करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको बोर्ड चेक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने प्लग लगा दी है। ये देखिए, अब इंडिकेटर ऑन हो चुका है। ये अभी हमारा स्विच ऑफ है। मैं आपको एक बल्ब बोल रहा हूँ, मैं बल्ब लगाकर चेक करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने वायर कनेक्ट कर दिया है। अब मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, हमारा बल्ब ऑन हो चुका है, ये वापस ऑफ हो चुका है, ये ऑन हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना करके बताना मुझे ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।